हेलो, वेलकम टू विजय सर क्लासेस। एज यू नो, ठीक है, आज मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, आज मैं बस आप लोग को ये बताऊंगी कि केमिस्ट्री पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, पढ़ना कैसे है, याद कैसे करना है, एग्ज़ाम में किस पे कंसंट्रेट करना है, किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें आज आपको बताऊंगी, तो अच्छे से देखिए, डरो मत, नहीं पढ़ा रही हूँ आज। ठीक है, तो मैं आज बस ट्रिक्स बता रही हूँ आपको कि आपको ट्वेल्थ क्लास में क्या क्या पढ़ना है, इलेवेंथ क्लास में क्या क्या पढ़ना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं ट्वेल्थ क्लास के बारे में। ठीक है, देखो बेटा, केमिस्ट्री क्या है, आपका तीन पार्ट में डिवाइडेड रहता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा पार्ट है जिसमें बेटा आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्यों पता है? क्योंकि वहाँ पर क्या है, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब वहाँ पर आपको केमिकल रिएक्शंस लिखने होते हैं। अगर केमिकल रिएक्शन लिखना है मतलब तुमको सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। ठीक है, और आपका मेन इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपका फोकस आगे चल के क्या है, आपको जेई फाइट करना है, नीट फाइट करना है, ठीक है, आईआईटी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब में क्या है, आपका मेन फोकस जो है वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और दूसरी बात, आपके जितने भी नेम्ड रिएक्शंस होते हैं, क्या होता है केमिस्ट्री में, अगर आपको कोई चीज फंसाता है तो वो है नेम्ड रिएक्शन। ठीक है, तो नेम्ड रिएक्शन क्या होते हैं, कोई आपका पर्टिकुलर साइंटिस्ट, ठीक है, वो लोग क्या कह रहते हैं उसमें, आपका देखो एक्चुअल बता रही हूँ, होता क्या है, होता क्या है, आपका जो रिएक्शन हो चुका है उसका ये लोग स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद बताते हैं कि पहले ये हुआ होगा, फिर वो हुआ होगा, सारा प्रोसेस बताया जाता है। ठीक है, तो ये अगर कोई पर्टिकुलर एक साइंटिस्ट अगर उसके बारे में बता रहा है, उसको अच्छे से डिफाइन करके लिख रहा है, तो वो आपका उसका वाला रिएक्शन हो गया, उसने बताया है तो उस रिएक्शन को उसका नाम दे दिए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, आपका जितना भी मतलब इलेवेंथ का, ट्वेल्थ का, आप जितना भी आपका नेम्ड रिएक्शंस है ना, सारे ना बेटा अच्छे से रट लो। क्या है ये आपका पर्टिकुलर की, जैसे कि आपका वुड्स रिएक्शन है, फ्रैंकलैंड है, रीमन टीमन है ना, ये सब रिएक्शन कैसे हैं, आपके नेम रिएक्शंस हैं, इसको आपको रटना बहुत ज़रूरी है। क्यों पता है? देखो, रटने इन द सेंस आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से हाँ मेरे को रटूंगा, अगर स्टार्टिंग का पॉइंट ही भूल गए तो कैसे करोगे, है ना। तो आपको देखो, रटने का रटना मीन्स आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, रटना इन द सेंस आपको प्रैक्टिस करना है। एक एक नेम्ड रिएक्शन को आप 10 times अगर लिख के देख रहे हैं, इसका मतलब आपको, देखो बेटा होता क्या है, आपका ब्रेन कुछ याद करता है, आपका बॉडी कुछ याद करता है। अगर आपके आपको अगर 10 times इसी हाथ से प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपके हाथ को पता है आगे क्या लिखना है। ठीक है, सेंसेस होते हैं, सिक्स सेंस पता है हर चीज, स्किन है ना उसका भी एक। तो देखो होता क्या है, आप बार बार जब किसी चीज को प्रैक्टिस करते हो, लाइक अगर आप रोड में गाड़ी चला रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, अगर आप रोड में गाड़ी चला रहे हो तो क्या होता है, आपको अचानक नहीं देख पाए कि सामने एक गड्ढा है। ठीक है, अचानक आपका आँख पड़ा, आपका हाथ वैसे ही मोड़ के ले जाता है। इसका मतलब क्या है कि हाँ, इसको आदत हो चुका है उस चीज को हैंडल करने का। ठीक है, आपका दिमाग उस टाइम ऐसे सोचेगा ना कि अरे यहाँ से ऐसे मोड़ो, वो क्या होता है, कुछ चीजें हमारा बॉडी खुद ही सेंस करके कर लेता है। ठीक है, तो आप अगर किसी चीज को बार 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 प्रैक्टिस करते हो तो आपके बॉडी तक को याद हो जाता है कि इसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं सच बता रही हूँ कि जब तक आप एक एक रिएक्शन को 10 times नहीं लिखेंगे ना, तब तक आपको ना अच्छे से याद नहीं होगा। तो करना क्या है बेटा, आपको ना एक एक नेम्ड रिएक्शन को आपको 10 times लिखना है, प्लस उसका बेसिक जो फीचर होता है ना कि हाँ इसमें ये वाला चीज बार बार रिपीट हो रहा है, उसको याद कर लो। ठीक है, और क्या देखना रहता है आपको कि उसमें किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप एक्ट कर रहा है, कौन किसको रिप्लेस कर रहा है। लाइक आपको पता होना चाहिए कि आपका जब एलिमिनेशन हो रहा है, वो इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन होता है, पता है न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है कि नहीं, SN2 होता है, SN1 होता है, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिकुलर होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है ये जानो, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, फाइल मतलब आपका फिलिक, जो इलेक्ट्रोफिलिक बोल रहे, फिलिक मीन्स लवर, जो इलेक्ट्रॉन का लवर है, तो इलेक्ट्रॉन का लवर कौन है बताओ,
इलेक्ट्रॉन को कौन पसंद करेगा? ऑब्वियस सा बात है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, वो क्या करेगा, न्यूक्लियस का लवर। तो न्यूक्लियस को कौन पसंद करता है बेटा, न्यूक्लियस को कौन पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन पसंद करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को पसंद कर रहा है, मतलब वो कैसा वाला होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा। हाँ बताओ क्या होगा। देखो अगर वो न्यूक्लियस का लवर है, न्यूक्लियोफाइल है, इसका मतलब वो खुद नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो पॉजिटिव की तरफ भागेगा। और अगर इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन का लवर है, इलेक्ट्रॉन का लवर है, इसका मतलब वो पॉजिटिव होगा, तब वो नेगेटिव की तरफ भागेगा। मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो रहता है वो पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये आपको कन्फर्म हो गया। छोटी छोटी बातें लाइक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने से पहले आपको जीओसी देखना होता है। जीओसी क्या है आपका, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सारे इफेक्ट बताए जाते हैं बेटा, कि आपका आइसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, आपका प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, ये सब क्या है आपका। इन इफेक्टों जब आप समझ जाओगे, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आप चीजों को, केमिस्ट्री को ना बेटा रटना नहीं है, केमिस्ट्री को क्या करना है आपको, फील करना है कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है तब ये चीज बन रहा है। लाइक आप अगर चाय बना रहे हो, तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले पानी बॉयल करना पड़ता है, तो पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, होता है कि नहीं होता, पता है ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होगा, पता है। चीजें ना, आप जब चीजों को अपने लाइफ से रिलेट करते हो ना बेटा, क्या जब तक आप चीजों को अपने लाइफ से रिलेट नहीं करोगे, तब तब आपको ना एकदम टफ लगने लगता है चीजें। लाइक ना लोगों को फिजिक्स बहुत टफ लगता है, लेकिन रियल लाइफ में आप देखो तो सारा चीज तो फिजिकल वर्क है। क्या फिजिकल वर्क नहीं है मुझे बताओ, यहाँ खड़े होके ऐसे हाथ हिला के अगर मैं बोल रही हूँ, तो वो भी तो एक फिजिकल वर्क है कि नहीं है। फिजिक्स लग रहा है यहाँ पे, मैं खड़ी हूँ, कैसे खड़ी हूँ मैं, ग्रेविटी की वजह से खड़ी हूँ कि नहीं। तो ये सारा चीज जब तक आप सब्जेक्ट ना ऐसे नहीं बना है कि हाँ भगवान मंत्र फूका सब्जेक्ट बन गया, ऐसे नहीं बना है बेटा। जो रियल लाइफ में हो रही थी चीजें, उसको आपको लिखा गया, उसके बाद उसको डिवाइड किया गया कि अरे यार ये तो इस चीज से रिलेटेड है, हाँ ये इस चीज से रिलेटेड है, इसको ये नाम दे दे, वो उससे रिलेटेड है तो उसको वो नाम दे दे। तो ये क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। ठीक है, तो हम लोग को क्या है, केमिस्ट्री को रिलेट करना है आपकी लाइफ से, तभी आप समझोगे। आपको लग रहा होगा अरे यार ये फिजिकल केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं हम लोग, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, आखिर इसका यूज कहाँ होगा, हम तो पढ़ लिए, यूज कहीं नहीं आ रहा है इसका, है ना, इतने दिन से पढ़ रहे हैं हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं इससे रिलेटेड, ऐसा नहीं है बेटा। अभी आप पढ़ रहे हो, लाइक क्या होता है, जब बच्चा ना चलना सीखता है ना, तो उसको उस समय पता नहीं होता कि चलने के बाद ना आदमी दौड़ता है, जब वो दौड़ता है ना तो क्या होता है, वो लोगों से जो चल रहा है ना उनसे आगे निकलता है। तो चीजें क्या होती है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें समझ में आती हैं कि आगे अब क्या होगा। ठीक है, तो अभी आप उस चीज को पढ़ रहे हो, अभी आपका क्या चल रहा है, थ्योरी चल रहा है। उसके बाद प्रैक्टिकल कब होगा, जब आप किसी इंडस्ट्रीज में चले जाएंगे, ठीक है, किसी, आप जब पूरा पढ़ लोगे कि हाँ केमिस्ट्री, हम उसको लेके केमिस्ट्री में एमएससी कर लिए, कुछ अलग आपका केमिस्ट बन गए, तब आपको पता चलेगा कि उस केमिस्ट्री का यूज, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको देख के हमको लगता है ना अरे यार इसका यूज कहाँ है, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है, वो चीज आपको तब समझ में आएगा जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज किसी केमिकल फैक्ट्री में करेंगे, फार्मास्यूटिकल कंपनी में करेंगे, उन चीजों का, उन रिएक्शन का, कि अच्छा तो ये बताया गया था उसमें, इतने डिग्री सेल्सियस में इसलिए बॉयल करने के लिए बोला गया था, और इसमें ये वाला रिएजेंट इसलिए डाला गया था। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होता ये है कि जब तक आप किसी चीज को प्रैक्टिकल करके नहीं देखते ना, आपको लगता है कि इसका यूज ही नहीं है। ठीक है, जब आप उस चीज को प्रैक्टिकल करते हो ना, तब लगता है कि हाँ यार इसका हो रहा है यूज सही। ठीक है, तो देखो थ्योरी अगर लिखा गया है तो कुछ हुआ
है तभी लिखा गया है, तो प्रैक्टिकल तो हो चुका है सबका, ठीक है, तब उसका थ्योरी बनाया गया। तो डरने की जरूरत नहीं है आपको, ना मैं बेस्ट बता रही हूँ, आपको पढ़ना है नेम्ड रिएक्शन। अगर आपको लगता है कि नेम्ड रिएक्शन हम कहाँ कहाँ से ढूंढेंगे, तो बेटा वेट करो थोड़ा सा, मैं ना नेम्ड रिएक्शन का एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाऊंगी, जिसमें क्या है आपके सारे नेम्ड रिएक्शन जो है, सिर्फ नेम्ड रिएक्शन, 11th के 12th के सारे नेम्ड रिएक्शन एक साथ पढ़ा दूंगी मैं आपको, ठीक है, सारे नेम्ड रिएक्शन एक क्लास में पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। उस वीडियो को देखो अच्छे से, ठीक है, तो आपको नेम्ड रिएक्शन के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, आपका फिजिक्स के बहुत सारे पार्ट एडेड होते हैं। अगर आप फिजिक्स में उन चीज़ों को पढ़ रहे हो तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में जितने सारी चीज़ें हैं वो आपका केमिस्ट्री में भी अप्लाई हो रही, बस चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बाकी आपका जो उसका बेस होता है वो दोनों में इक्वल रहता है, सेम रहता है। उसमें जो आपको बेस बताया गया ना कि अच्छा ये थर्मोडायनेमिक्स यहाँ है तो थर्मोडायनेमिक्स यहाँ भी है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक्स आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, तो दोनों का जो बेसिक आपका जो फीचर होगा, बेसिक जो नॉलेज होगा उससे रिलेटेड, वो दोनों सेम होगा, तो आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। आप वहाँ पढ़ लेना, ऐसे मत सोचा यार वो फिजिक्स वाला थर्मोडायनेमिक्स था, हाँ ये तो केमिस्ट्री वाला है, अरे ये अलग तो नहीं होगा, ये सब सोचने की जरूरत नहीं, ये बेसिक दोनों का सेम होगा, ठीक है। पानी अगर तुम उसमें उबालो तो भी वही होगा, और तुम अगर किसी मिट्टी के बर्तन में उबाल रहे हो तो भी वही होगा, पानी उबलेगा, खत्म, ठीक है। पानी बॉइल हो रहा है इससे मतलब रखो, किस में उबाल रहे हो उससे मतलब मत रखो, ठीक है। आपका केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स हो चाहे फिजिक्स का थर्मो, दोनों सेम होते हैं। बस उसका वो याद रखना कि अगर थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ रहे हो ना, तो आपका केमिस्ट्री में जब पढ़ते हो तो गैसेस के ऊपर है, ठीक है, और अगर आप फिजिक्स में पढ़ते हो तो उसमें जनरली आपका सॉलिड पार्टिकल्स और क्या बोलना चाहिए, लिक्विड के ऊपर ज़्यादा बताया जाता है, ठीक है। तो वो लेकिन उसका जो बेस होगा, जो आपका बेसिक जो आपको नॉलेज बताया जाएगा ना कि हाँ ये इससे इससे ये होता है, वो सेम रहता है सबका, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स आप यहाँ भी पढ़ोगे वहाँ भी पढ़ोगे, सर्फेस केमिस्ट्री आप यहाँ भी पढ़ोगे वहाँ भी पढ़ोगे, ठीक है। तो होता क्या है, दो ये चीज़ें क्या, कोरिलेट करना सीखो चीज़ों को, ऐसा मत सोचो अरे यार वो अलग होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर चीज़ें बनी हैं तो एक साथ बनी है, ठीक है, उसको डिवाइड किया गया है तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शंस फंक्शंस, ठीक है, उसको डिवाइड कर देगा, अच्छा ये इससे रिलेटेड ऐसा करके, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप एक ठो को पढ़ लो अच्छे से, फिर उसको रिलेट कर दो केमिस्ट्री से फिजिक्स से, तो फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री समझ में आ गया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपसे आपके लाइफ से उठा के बनाया गया है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेटल्स है और उनके रिएक्शंस है, तो इतना कोई बड़ा बात है नहीं, ठीक है। तो वो सब चीजें तो बहुत इजी, आदमी फंसता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस मांगता है। लाइक आपका मैथ्स, जब तक आप बार 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 किसी क्वेश्चन को बना के नहीं देखो ना बेटा, आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये बनता क्यों नहीं है, ठीक है। जब तक आप उसको पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं करोगे वो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। मैं सच बता रही हूं, अगर आप एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन एक बार बना के देखे, उसको रिलेट करते हुए दूसरा बना के देखे, आपको इतना मजा आएगा ना बेटा, आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया में कोई अच्छा सब्जेक्ट है ना तो वो आपका केमिस्ट्री ही है। वो भी केमिस्ट्री का बेस्ट पार्ट अगर कोई चीज है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपको यही लगेगा, मेरे को तो यही लगता है। एज अ केमिस्ट्री टीचर मैं सच बता रही हूँ, अगर मेरे को केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा कोई पार्ट पसंद आता है तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको पढ़ने में जो मजा आता है बेटा, मतलब ना उसी को पढ़ के लगता है कि हाँ यार आज हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज तो फील ही नहीं आ पाता। लेकिन आप अगर देखोगे ना चीज़ों को रिएक्शन, मजा आ जाता है एकदम, मतलब जब कोई चीज़ बन के सामने आता है और अच्छा ये ऐसे बना था, मतलब एक अजीब से मतलब खुशी होती है। जब तक आप चीज़ों को फील नहीं करोगे ना तब तक आप उस खुशी को ना फील नहीं कर सकते। तो मैं सच बता रही हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको स्ट्रांग करना है तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा एक एक रिएक्शन को बना के देखना है, और अगर आपको देखो होता क्या है, अगर हम फर्स्ट टाइम 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, अरे यार पता नहीं किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तो बेस्ट तरीका होता है कि उसके पीछे जाके देखो कि आखिर पिछले साल कैसा क्वेश्चन किया गया, उसके पिछले साल कैसा क्वेश्चन किया, अरे भाई कितना क्वेश्चन बनाएगा आदमी, पागल तो हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, थोरो स्टडी करना है, किसके बारे में, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। और इस साल तो आप लोग सब जानते ही हो, कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल नहीं आए, भारी खुश,
अरे स्कूल नहीं जाना है, मजा ही आ गया। ठीक है, तो देखो बेटा, स्कूल नहीं जाना है, मजा आ गया, वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन जो ज्ञान आपको स्कूल जाके मिलता था वो तो नहीं मिल पाया, ठीक है। जो डांट, जो फटकार, जो प्रेशर एक टीचर जनरेट करता था वो तो नहीं हो पाया, ठीक है। तो क्या है, अगर किसी चीज को बनाया गया है ना, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि स्कूल बनाया गया है तो क्यों बनाया गया, उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा, है ना। तो ये सब चीजें क्या है, आप को ना जो बनाया है किसी ने कुछ सोच के बनाया है, आपको उस रूल को फॉलो करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पीछे के पेपर, ठीक है, पीछे के पेपर को पिछले साल के जितने भी आपका 10 ईयर्स का देख लो, अनसॉल्व ले लो, ठीक है। आपको सॉल्व पेपर करो, अनसॉल्व में मतलब आंसर ढूंढते बैठे हैं, ठीक है। सॉल्व पेपर जो है पुराने साल का वो अच्छे से स्टडी कर लो, आपका केमिस्ट्री में फेल हो ही नहीं सकते, मैं लिखित दे रही हूँ। आप पिछले कुछ सालों का पेपर सॉल्व करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम्ड रिएक्शन अच्छे से देख लो, और क्या बोल रही हूँ कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को कोरिलेट करना है, ठीक है। कोरिलेट करो और मिला के बनाओ बेटा, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखो ये मत सोचो कि अरे यार इस बार तो ये ओमिट ओमिट, देखो ओमिट आज है, लेकिन आपका फोकस अगर नीट आईआईटी जेई है तो इसमें तो आपका ओमिट नहीं करेगा, वो तो आपको पूरा देगा, आपको तो पूरा बनाना पड़ेगा। तो पूरा बनाना है तो थोरो स्टडी करना है, एकदम घुस जाना है पढ़ाई में कि हाँ भाई हमको कुछ बन के दिखाना है। वैसे भी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जानते ही हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। और एक चीज बोलना चाहूंगी कि आपका जो भी आपको डाउट है, ठीक है, जिस भी टॉपिक में डाउट है, आप बेटा कमेंट करो, ठीक है, कि हाँ मुझे इस टॉपिक में डाउट है। मैं डेफिनेटली अपने तरफ से 110% आप कोशिश करूंगी कि आपका वो जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। क्या है, हम यहाँ ना सिर्फ ना वो थ्योरी ऐसा नहीं, हम ना बेस क्लियर कर रहे हैं लोगों का। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा ना बेटा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब तक आपका बेस क्लियर नहीं हो सकता, आप टीचर को बार बार क्वेश्चन करो, और क्या करना है आपको, पूरा ना मतलब टीचर के ज्ञान को निचोड़ के ना एकदम अपने में एब्जॉर्ब कर लेना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना लेक्चर काफी है बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट, ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट, अभी तो रात नहीं है, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेन एवर आप इस वीडियो को देख रहे हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, ठीक है। कोई भी डाउट है आप मेरे वीडियोस में जाइए, इसको देखिए, कमेंट करें, मैं आपको डेफिनेटली बहुत बेसिक जहाँ से मैं बता सकूँ बताऊँगी, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।